नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के रोजगार समाचार में। बिहार के वैसे बेरोजगार युवा जो नौकरी की तलाश में है, उनके लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल बिहार विधान परिषद द्वारा भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती रिपोर्टर यानी प्रतिवेदक के पदों पर आई है। इस भर्ती के माध्यम से 11 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 10 जनवरी 2024 से ही शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2024 है। भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट biharvidhanparishad.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों से लिए जाने वाले आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन पत्र भरने के दौरान उम्मीदवारों से आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपए लिए जाएंगे। 1200 रुपए के ये शुल्क जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों के लिए है। हालांकि जो उम्मीदवार एससी एसटी या पीएच वर्ग से है, उन्हें आवेदन शुल्क के रूप में 600 रुपए ही देने होंगे। उम्मीदवार ये आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान के माध्यम से भी दे सकते हैं। इस भर्ती के लिए यदि बात करें उम्मीदवारों की योग्यता की, तो उन्हें इस भर्ती के लिए सबसे पहले जरूरी है कि उन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया हो। इसके साथ उम्मीदवार को 150 शब्द प्रति मिनट हिंदी स्टेनोग्राफी और 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आनी चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार ने ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी हासिल कर रखा हो। यदि उम्मीदवारों की आयु सीमा की बात करें, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु 37 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि जो महिला उम्मीदवार है या जो उम्मीदवार अपना संबंध पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से रखते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा एससी एसटी उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि इस भर्ती के लिए परीक्षा 3 चरणों में होंगी। इसमें सबसे पहले ओएमआर आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, तो दूसरे नंबर पर हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा और हिंदी व अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा तथा एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा और आखिर में साक्षात्कार होंगे। परीक्षा के ये सभी चरण आपको पार करने होंगे। चलिए अब आखिरी में हम बात करते हैं इस भर्ती के लिए उम्मीदवार किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले उम्मीदवार इसके नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। नोटिफिकेशन लिंक और आधिकारिक वेबसाइट दोनों ही हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आवेदन के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट वाले लिंक पर जाएं। मांगे जा रहे जानकारियों के साथ ही खुद को रजिस्टर्ड कर लें। उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को अपलोड कर दें। आवेदन फॉर्म में मांगे जा रहे सभी जानकारियों को अच्छी तरह से भर लें। फिर सभी प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे। आवेदन का एक प्रिंटआउट अपने पास भी रख लें, क्योंकि भविष्य में ये काम आ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।